हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा अम्बेवली से शहर तक का व्लॉग है, जिसमें हम कुछ ना कुछ नया घूमने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। गाइस, कुछ प्लेसेस होती है जो एक्सप्लोर होती है, कुछ अनएक्सप्लोर होती है, तो हम कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं और जो एक्सप्लोर होती है उसमें भी कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बताइए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस, इस वक्त हम हैं बंडेरी गांव में, जो टीटवाला और अम्बेवली के बीच में आता है। पीछे जाएंगे तो यहां से टीटवाला का रास्ता निकलता है। ये जो ब्लॉग है, ये पिछले ब्लॉग में हम शहर से अम्बेवली तक गए थे, शहर से अम्बेवली ईस्ट की तरफ गए थे और अंदर से जो है एक दो गाँव तक हम पहुँचे थे और ये उसी का ही कंटिन्यू नेक्स्ट ब्लॉग है। ये है जो ये ब्लॉग जो है ये अम्बेवली से शहर तक है, मतलब हम रिटर्न जा रहे हैं इसमें, लेकिन जो है अम्बेवली वेस्ट के यहाँ से हम जाएंगे। लास्ट टाइम हम ईस्ट घूमे थे, ये टाइम हम वेस्ट घूमेंगे और रिटर्न जाते हुए कुछ अलग रास्ते हम इसमें देखने वाले हैं। तो अभी जो है यहाँ पे जो बनेली गांव में एक हमने यहाँ पे ये एक हम मंदिर घूमे थे यहाँ पे, ये मंदिर का मैंने ब्लॉग बनाया है। तो ये जो है यहाँ पर मैं आपको लेफ़्ट साइड में दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैं यहाँ का ब्लॉग बना चुका हूँ। ये वही मंदिर है जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये वैष्णो देवी मंदिर है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार एक झलक दिखा देता हूँ यहाँ की। इसका मैं ऑलरेडी व्लॉग बना चुका हूँ। ये मंदिर का पूरा नाम है डोंगरवाली मैया दुखहरणी वैष्णो देवी मंदिर। तो यहाँ का ऑलरेडी हम एक व्लॉग बना चुका हूँ। तो अभी जो है मैं आपको एक यहाँ से एक झलक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है घूमते फिरते मुझे ये मंदिर दिख गया था, तो मैंने यहाँ का ब्लॉग बना लिया था। और यहाँ से नीचे से गार्डन वगैरह बना हुआ है और 30 स्टेयर्स है, वो ब्लॉग में मैंने सब डिटेल्स दिया है। तो जब मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने आया था तो यहाँ पे मैंने नीचे से थोड़ा यहाँ से पूछा था, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लिया था कि सीढ़ियाँ कितनी हैं ऊपर। तो यहाँ पर बताया गया कि ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, 30 सीढ़ियाँ ही है, 30 स्टेयर्स ही है। तो बाकी हम यहाँ पे अभी निकल चुके हैं हम यहाँ से। तो ये जो रास्ता है और हम वहाँ से सीधा आ रहे हैं, ये डायरेक्शन हमारा अम्बेवली की तरफ ही है। तो अम्बेवली जो है एक्चुअल में जो है ये टाउन है, ना ही सिटी है ना ही विलेज है। सिटी मतलब जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, जो नंबर ऑफ मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से रहता है और काफ़ी बड़ा रहता है, और सिटी में सब कुछ रहता है। और विलेज में कुछ ऐसे विलेज है जो जहाँ पे स्टेशन तक नहीं रहता है, अंदर अंदर विलेजेस होते हैं, वो एक्चुअल में विलेज आता है। ये मैंने पिछले ब्लॉग में जो है आपको दिखाया था। तो ये जो है ये एक्चुअल में शहर अम्बेवली और टीटवाला तीनों टाउन ही है जो कल्याण तालुका में आता है। और वैसे तो मैंने ज़्यादा सिटीज़ के ब्लॉग बनाए हैं, अभी जैसे है लास्ट टाइम विलेज का बनाया था, ये एक्चुअल में टाउन के ही है, टाउन लोकेलिटी है यहाँ की। तो ये कल्याण तालुका थाने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में आता है, जो डिस्क्रिप्शन में मैं सब डिटेल्स दे देता हूँ। और अभी हम यहाँ से जो है ये लेफ्ट साइड में NRC कंपनी है, ये काफ़ी बड़ी है, 5 मिनट तो हमें लगता है बाइक पे ही मतलब ये चलते रहेंगे, और साइड से दीवार बनी हुई है। और राइट साइड में है रेलवे लाइन, रेलवे लाइन वही है जो शहर से जो कल्याण से आती है, शहर अम्बेवली टीटवाला उस तरफ है आसनगाँव कसारा, और यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो कल्याण के बाद ये मुंबई वाला लाइन है। तो यहाँ पे जो है रास्तों में ट्रैफिक वगैरह नहीं है, थोड़ी बहुत एक आध गाड़ी है और अच्छा बना हुआ है यहाँ पे जो है, ग्रीनरी है, पेड़ है यहाँ पे काफ़ी। और यहाँ पे आज का जो है क्लाइमेट भी ठीक ठाक है। तो मैंने आपको बनेली गांव दिखाया, पीछे टीटवाला का रास्ता दिखाया, और कभी टीटवाला का भी मुझे ब्लॉग बनाना है। और टीटवाला का वैसे मैंने जो महागणपति टेम्पल है वहाँ का मैंने ब्लॉग बना दिया है ऑलरेडी, लेकिन टीटवाला लोकेलिटी का मुझे एक ब्लॉग बनाना है, क्योंकि टीटवाला भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा है, अलग ही है वहाँ पर। और वहाँ पर जो है कुछ टांगे वगैरह भी चलते हैं, कभी उस पर भी बैठना है मुझे, तो कभी देखेंगे उसको भी नेक्स्ट टाइम। फ़िलहाल जो है हम अभी तक यही रास्ते पे है, सेम रास्ते पे, मैंने कहा ना आपको ये थोड़ा लंबा रास्ता है। तो अभी यहाँ से एक फाटक आएगा जो हमें क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अम्बेवली में मैंने देखा है और टीटवाला में देखा है,
यहाँ पे ब्रिजेस नहीं है क्रॉस करने के लिए, यहाँ पे फ़िलहाल फाटक ही है। और ब्रिजेस में जो है क्रॉस करने की ब्रिज मैंने तो नहीं देखी है, जो मैंने देखे है यहाँ पे फाटक ही क्रॉस करना पड़ता है। अभी एक फाटक क्रॉस करेंगे हम, फिर अम्बिवली वेस्ट की तरफ जाएंगे और वहाँ से ही हम सीधा शाड़ का रास्ता पकड़ लेंगे। वहाँ से चाहे तो हम अम्बिवली ईस्ट भी जा सकते हैं क्रॉस करके, स्टेशन की एरिया में से ही कुछ रास्ता जाता है, लेकिन हमें फ़िलहाल वहाँ पे अम्बिवली वापस नहीं जाना है, हमें सीधा शाहड़ जाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट व्लॉग में हम अम्बिवली घूम चुके हैं। हाँ, मैं आपको जाते हुए फाटक क्रॉस करके थोड़ा सा एक वापस से एक अम्बिवली वेस्ट थोड़ा सा दिखा दूँगा। और बाकी तो यहाँ पे ये उल्लास रिवर भी आने वाला है आगे चल के, उल्लास रिवर भी दिखाऊँगा। उल्लास रिवर मैंने बदलापुर का भी एक बनाया हुआ है। यहाँ से देखिए गाइस, ट्रेन भी जा रही है, तो ये तो एक इंजन ही गई का खाली। तो उल्लास रिवर मैंने बदलापुर का दिखाया था एक बार, और यहाँ से टीटवाला में भी उल्लास रिवर टीटवाला हाईवे पे भी एक दिखता है, और यहाँ पे भी आगे चल के हम शाहड़ आने से पहले ही हमें दिखने वाले हैं, दिखने वाला है उल्लास रिवर। तो यहाँ पे जो है छोटे मोटे गांव भी है अंदर साइड में, लेकिन वो अभी ये एरिया ही काफ़ी खाली है, तो गाँव तो और खाली रहेंगे। हाँ, अम्बिवली थोड़ा टाउन के हिसाब से थोड़ा डेवलप है और स्टेशन भी है। तो आ गया फाटक यहाँ से राइट में, तो हमें फाटक क्रॉस करना है। मुझे लगता है यहाँ से सीधा अम्बिवली ईस्ट ही आएगा, तो हमें अम्बिवली वेस्ट के यहाँ से निकलना है। गाइस, मैंने फाटक क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पे थोड़े जो है रास्ते खास नहीं है, तो अभी यहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी ईस्ट दिखा चुका हूँ, इसके लिए मैंने फाटक क्रॉस किया है। आपको जाते टाइम मैं वेस्ट दिखा रहा हूँ। तो ये जो है वेस्ट साइड है, एरिया ठीक ठाक है यहाँ की, और ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, छोटे मोटे शॉप्स है आगे, और यहाँ पे तो रास्ता ठीक ठाक है, बड़ा है। फिर भी अम्बिवली के हम ईस्ट में अंदर तक गए थे, तो वहाँ पे फिर भी छोटे रास्ते थे, तो यहाँ से सीधा ही जाना है मुझे लग रहा है। और बाकी जो है ये स्टेशन ही है, लेफ्ट साइड में स्टेशन चालू हो गया है, तो स्टेशन के रोड से ही हम सीधा सीधा निकल रहे हैं। स्टेशन चालू नहीं हुआ है, वहाँ आगे है आगे, तो देखते हैं उसे भी। तो यहाँ पे जो है छोटे मोटे घर है, यहाँ के रास्ते ठीक ठाक है, और बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह तो फ़िलहाल दिख नहीं रही। ये लेफ्ट साइड में मुझे स्टेशन दिख रही है अभी, देखिए। और यहाँ पे बड़े बड़े स्काई वॉक भी नहीं दिख रहे हैं। स्टेशन की ब्रिज है वैसे क्रॉस करने की, वो तो हर जगह स्टेशन रहेगी तो ब्रिज तो रहेगा ही, प्लेटफॉर्म नंबर एक के दो या जो भी क्रॉस करना है उसके लिए तो ब्रिज तो कंपलसरी रहता ही है, लेकिन यहाँ पे स्काई वॉक वगैरह नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक भी लिमिटेड रहेगी, रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी उतनी, तो उस हिसाब से है यहाँ पे। और खाली फाटक का एक प्रॉब्लम है क्रॉस करने का, क्योंकि कभी होता है खुला हुआ रहता है तो फटाफट क्रॉस हो जाता है, कभी 2-3 मिनट में खुलता है, कभी कभी 5-5 10-10 मिनट भी खड़े रहने पड़ता है, और उसमें अगर बारिश आ गई तो बारिश में रुकना पड़ता है 5-10 मिनट, जब तक ट्रेन्स वगैरह जाए फाटक खुले। और ये जो है अभी हमारी स्टेशन लगभग यहाँ पे एंड हो रही है, स्टेशन ख़त्म होने आई है पूरी, हमने स्टेशन के एक साइड से ही हम निकले हैं। मतलब अगर आपको यहाँ से डोंगर वाली मैया मंदिर में जाना है तो आपको अम्बिवली वेस्ट से यहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा, तो यहाँ से नज़दीक ही है। यहाँ से आपने देखा है कि एक 5-10 मिनट का ही रास्ता है, कुछ 2-2.5 किलोमीटर ही है, तो मतलब यहाँ पे घूमने के लिए कि ये मंदिर है और उसके अलावा भी छोटे मोटे मंदिर, और बाकी ये उल्लास रिवर तो शाड़ के उस तरफ आएगा, बाकी और तो मुझे पता नहीं है और क्या है घूमने के लिए। टाउन के हिसाब से है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मैंने स्कूल वगैरह भी देखा है, यहाँ पे स्कूल वगैरह है। हम और आगे बढ़ चुके हैं जाते हुए, अभी जो है वडौली गाँव आने वाला है एक, ये वडौली गाँव वाला ही रोड है जहाँ पर मैंने एक छोटा गणपति टेम्पल था, जो जहाँ पर मैंने नवरात्रों में वहाँ का भी मैंने ब्लॉग बनाया था, गणपति टेम्पल का भी हमने देखा था, हमने माता रानी के दर्शन भी किए थे। और ये है वडौली गांव का ही रास्ता है, तो हम यहाँ से जाते हुए मैं आपको एक बार दिखाते हुए जाऊँगा, जो टेम्पल का मैंने ब्लॉग ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जो मेरे माता रानी दर्शन के ब्लॉग में था। तो अभी जो है हम और आगे बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर रास्ते थोड़े मतलब मीडियम साइज़ के ही है, थोड़े छोटे ही है, और यहाँ पर जो है पेड़ तो काफ़ी है ही है, हवा मतलब एटमॉस्फियर अच्छा है यहाँ का, क्योंकि ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो उतना अच्छा रहता है। और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह भी मुझे दिख रही है, कुछ बिल्डिंग है, चार पाँच माले की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स है।
यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चालू रहेगा, तो हम और आगे बढ़ चुके हैं। अभी जो है गणपति टेम्पल आने वाला है छोटा, जहाँ पे हम, मैं एक बार शिवरात्रि के टाइम भी आया था मैं यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा शिवरात्रि मेला भी लगा था। मतलब जो ये जो टाउन के जो लोग हैं यहाँ पे भी मतलब मेला वगैरह सेलिब्रेट होता है यहाँ पे, तो अच्छा है। मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता ही है, सिटी हो, टाउन हो, विलेज हो। और यहाँ से जो है राइट साइड में अभी हमें गणपति बप्पा का टेम्पल दिखने वाला है एक छोटा सा, जिसका मैंने आपको बोला मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ व्लॉग, तो ये यहाँ पे ही है, राइट साइड में ही है। तो एक बार थोड़ा सा इसका भी झलक देखते हुए जा रहे, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में बनाया हुआ है जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो वैसे मैंने उनको जो है, मेरे टेम्पल ब्लॉग है, मैंने उन सब टेम्पल ब्लॉग को अलग कर दिया था, और ट्रेवल ब्लॉग मैंने अलग ही रख दिया था, तो ट्रेवल ब्लॉग मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अभी हम और आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ से जो है छोटे मोटे रास्ते हैं और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक आध गाड़ी दिख रही है, और अब हम बस यहाँ पे, यहाँ से हम उल्लास रिवर पहुँचने वाले हैं। जाते हैं वक्त गाइस हम ऊपर की ब्रिज चढ़ के गए थे, हमने ऊपर की ब्रिज यूज़ की थी जो है, ऊपर से फ्लाईओवर से हम गए थे डायरेक्ट उस तरफ, तो अम्बिवली ईस्ट हमें छोड़ा था उसने, और अभी हम आए हैं वेस्ट से। तो ये रास्ता ब्रिज के नीचे से ही निकला है, और यहाँ से जो है ये उल्लास रिवर भी, अभी कुछ ही ये ब्रिज क्रॉस होगा तो हमें उल्लास रिवर भी दिखाई देगा, रेलवे लाइन भी दिखाई देगी। दोनों के बीच में से ही हम जाने वाले हैं, लेफ्ट साइड में रेलवे लाइन है। तो अभी जो है ब्रिज भी काफ़ी बड़ा है, मैंने आपको लास्ट टाइम जाते हुए दिखाया था। और यहाँ पे जो है सिग्नल वगैरह तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है यहाँ पे, और आराम से हम अपना कंफर्ट, हमारा जो है जर्नी हो रहा है। और यहाँ से जो है ब्रिज आने वाला है, आ गया ब्रिज यहाँ से, ये उल्लास रिवर का ब्रिज है। लेफ्ट साइड में हमें रेलवे लाइन भी दिखाई दे रही है, और राइट साइड में जो है एक, ये एक्चुअल में पुल है, उल्लास रिवर के ऊपर से बना हुआ पुल है। और यहाँ से अभी है जो है हम ये क्रॉस करेंगे, और हम लगभग शहाड़ टाउन, शहाड़ की एरिया में हम पहुँच जाएंगे। और अगर आगे से हम लेफ्ट वगैरह लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट में भी छोटे मोटे गांव रहेंगे। तो यहाँ से जो है हम सीधा सीधा जाने वाले हैं, मतलब रास्ते जो है हाईवे में, एक ये अच्छा बहुत मतलब बात होता है, एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि रास्ते सीधे सीधे ही होते हैं ज़्यादातर, और उसके बाद भी कहाँ से टर्न होता है तो हमें बोर्ड वगैरह एरो सब दिखाई देते हैं। और ये यहाँ से राइट में जो है, हमने राइट थोड़ा सा लिया है, लेफ्ट नहीं जाना था हमें, सीधा सीधा ही है मतलब रास्ता, और आते टाइम भी हमने ये रास्ता देखा था, काफ़ी बड़ा रास्ता है और आगे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। शहाड़ हम पहुँचने वाले हैं, ये लगभग शहाड़ की एरिया ही है, और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो कुछ छोटे मोटे गांव वगैरह भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ से देखिए बड़े बड़े कुछ बिल्डिंग्स हमें दिखाई दे रही है। तो आज का व्लॉग जो है मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे बताइए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा।